पुराना लुक का है फोटो देख। फाइल से राम मंदिर स्टार्टिंग डेट अभी स्टार्टिंग डेट अगेन अगस्त 16 मैं अयोध्या में 2 नवंबर 1990 में जब कार सेवा में 2 बंधु शहीद हुए थे, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। मैं बहुत सुखद अनुभूति कर रही हूँ, मेरे भाइयों का बलिदान सार्थक हो गया। और आपको अपने मन की इच्छा बताऊं तो जिस दिन फैसला आना है अगर वो पहले से पता होता तो शायद मैं यहाँ पर रामलला के मंदिर में रहना पसंद करती हूँ, उसे यहीं रह के उस फैसले को सुनती हैं। हम पिछले 29 वर्षों से यहाँ लगातार आ रहे हैं और जब से ये कार्यशाला बनी है तब से हम यहाँ के दर्शन करके, हर बार जब भी आते हैं तब हम यहाँ के दर्शन करके ही जाते हैं और मंदिर निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो ऐसी मन में इच्छा लेके जाते थे। चलो इतने पत्थर हो गए हैं, अब जब मंदिर बनेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। आज कार्यशाला में आए हैं और इतने सालों के बाद अब लग रहा है कि जल्दी से मंदिर बनने वाला है, तो लग रहा है कि ये पत्थर जो कमी रह गई है, जो बच गए, जैसा मैंने सुना कि अभी 65% ही बना है, तो लग रहा है कि वो बाकी 35% है वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए और ये मंदिर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन मुझसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि आप यहीं के निवासी हैं तो आप लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए पिछले 491 वर्षों से हिंदू अपना बलिदान और त्याग किए जा रहे थे, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। आज उस संघर्ष को विराम मिला है और एक बहुत अच्छा फैसला आया है, जब यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा, ऐसा एक जब फैसला हमारे सामने आया है तो मैं तो ये चाहूँगी कि आज तक जितने भी बलिदान हुए हैं वो उनकी जो संघर्ष गाथा है वो जरूर एक संग्रहालय या एक स्मृति स्मारक कुछ बना के और वो लोगों के सामने, आने वाली पीढ़ियों के सामने वो हमेशा बनी रहे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आज से 29 साल पहले जो हुआ था आज की नई पीढ़ी उसको शायद नहीं जानती है, जो उसके बाद में जन्मे हैं वो नहीं जान रहे थे, किंतु आज जब फैसला आया और फिर से राम मंदिर पर इतनी बड़ी खबर चल रही है पूरे चैनलों में आप लोगों के माध्यम से, उस समय वो नई पीढ़ी थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर रही है। पर अगर वो संग्रहालय बनता है तो देखिए कभी ना कभी जीवन में हर हिंदू चाहेगा कि वो मंदिर के दर्शन करने आए और वो संग्रहालय, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि संग्रहालय, ये जो कार्यशाला है इसमें भी पिछले कई वर्षों से जब से ये बना है तब से यहाँ लगातार दर्शनार्थी आते हैं दर्शन के लिए, तो मंदिर में भी जाएंगे और मंदिर से जुड़े इतिहास को जरूर लोगों तक पहुँचना चाहिए और वो संग्रहालय या स्मृति स्मारक इसके द्वारा पहुँचेगा, तो ऐसा सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे ये लोग, आपने जैसा सुना है कि राम सेतु में गिलहरी ने भी अपनी तरफ से एक प्रयास करने का कार्य किया था, उसने अपने शरीर पर बालू लपेट के और उसने देने का प्रयास किया था, मैं भी बस इतना ही चाहती हूँ। देखिए इतना बड़ा कार्य है, मैं उतनी शायद मैं मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उतना बड़े कार्य को कुछ अंजाम दे सकूँ, पर अगर मेरे भाइयों का जिस वजह से बलिदान हुआ है और उन्होंने अपने जीवन को जिसके लिए त्याग दिया उस कार्य को मैं आगे बढ़ा सकूँ, ये मेरी जरूर बहुत बड़ी इच्छा है।